गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12. करंटली चैप्टर 11 चल रहा था, उसको वहीं लीव इट कीजिएगा. बाद के अंदर हम लोग क्या है उसको कनेक्ट करेंगे. कुछ न्यू स्टूडेंट्स आज ऐड हो रखे हैं, इसलिए चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू कर दें. ओके, तो चैप्टर नंबर 12, नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 12 इज इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. टू डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑलरेडी रीड आउट हो चुका है अप टू क्लास 10 तक. क्लियर, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर का कंसेप्ट बताते हैं. सबसे पहले देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स वाई, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस. किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को टू डायमेंशन ज्योमेट्री में किससे शो करते हैं, एक्स कॉमा वाई से. नाउ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री हमेशा किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, फोर पार्ट्स में, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ वी विल कंटिन्यू टू डायमेंशन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर में उन सारे ज्योमेट्री सॉलिड शेप्स को लिया जाता है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही होती है. जैसे अगर हम लोग थ्री एक्सिस का कंसीडरेशन करना चाहें तो आप लोग अपने रूम का डायरेक्शन देख सकते हैं. रूम के अंदर जो बेस में है उसका एक कोई पॉइंट लीजिए, जैसे यहां पर मैं एक रूम शेप के अंदर क्यूबॉइड को जनरेट कर रहा हूं. इसको कंसीडर करते हैं ओरिजिन. ओके, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दैट विल बी वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस. ओके, तो रूम के अंदर का कोई भी एक कॉर्नर का पॉइंट लीजिए, इनसे रिलेटेड फर्स्ट साइड को एक्स कंसिडर करें, परपेंडिकुलर साइड को वाई एंड थर्ड साइड जो आउट हो रही है उसको जेड एक्सिस कंसिडरेशन करें. तो एक इजीली वे में आप लोग थ्री डायमेंशन का कंसेप्ट समझ पाएंगे. सबसे पहले देखेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है. तो ये पॉइंट किस एक्सिस पर प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है. तो इसका एक्स एक्सिस तो होगा बट वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स दोनों ही क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो हो जाएंगे. नेक्स्ट कंसीडर करते हैं ये पॉइंट, इसको मैं अभी नॉमेनक्लेचर कर देता हूं ए से. ओके, इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं बी से. इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये बी पॉइंट किस एक्सिस पर प्रेजेंट है, वाई एक्सिस पर प्रेजेंट है. इसका मीनिंग इसका एक्स और जेड जीरो जीरो होगा जबकि वाई कोऑर्डिनेट होगा वाई. एज इट इज इस पॉइंट को अगर मैं सी नॉमेनक्लेचर करूं तो क्या होगा, जीरो जीरो जेड. नाउ कंसीडरिंग दिस पॉइंट, इसको डी नॉमेनक्लेचर करता हूं मैं. ठीक है, ये पॉइंट किस प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जबकि जेड पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो. नाउ बात करते हैं इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट किस प्लेन में प्रेजेंट है, एक्स जेड प्लेन में. तो इसका एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट होगा जबकि वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो. नेक्स्ट बात करते हैं इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे शो करेंगे, ये वाई एंड जेड प्लेन में है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो होगा जबकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो. नाउ लास्ट पॉइंट ये बचा, ये पॉइंट ओरिजिन के जस्ट सामने का जो है ना, तो जिसको आपने ओरिजिन कंसीडर किया जिसके जस्ट अपोजिट है, यानी उस पर एक्स एक्सिस भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, कोई सा भी कोऑर्डिनेट जीरो नहीं होगा. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक क्यूबॉइड का सारा डायरेक्शंस जो है वर्टिसेस है उनके थ्री डायमेंशन के अंदर हम लोगों ने शेप्स लिखे हैं. अब यहाँ पर जैसे टू डायमेंशन के अंदर फोर क्वाड्रेंट्स बनते हैं, उसी टाइप से थ्री डायमेंशन के अंदर यानी एक थ्री डायमेंशनल प्लेन जो है वो टोटल स्पेस को एट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है. वहां हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट, फोर पार्ट्स है इसलिए, यहाँ एट पार्ट्स है, इनको कहेंगे क्या, ऑक्टेंट. ओके, अब ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट्स किस किस टाइप से उनके साइंस होते हैं, जैसे आप लोग इनमें क्या पढ़ते हो, प्लस प्लस वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेक्स्ट माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, नेक्स्ट माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर पढ़ते हो
पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यही पढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर कौन कौन से किस क्वाड्रेंट में होंगे रेस्पेक्टिवली, इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक टेबल बना दे रहा हूं, और ये एट ऑक्टेंट आप लोग समझेंगे कैसे। तो अगर मैं एक रूम लूं और रूम को टोटल एट पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दें आप लोग, जैसे एक रूम के अंदर हम लोगों ने मिड के अंदर एक स्लेट डाल दी और एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल स्लेट और एक वर्टिकल स्लेट कंसीडर कर लीजिए, जैसे ये रूम है। अगर आप इसको दो पार्ट से, एक यहां से कट कर दीजिए, एक यहां से कट कर दीजिए, अगर आप कट करोगे तो ये टोटल एट पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जिसको ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टेंट्स कहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेवंथ एट। तो इनका कोऑर्डिनेट्स का कैसे आप कंसीडरिंग करोगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ और ये एट, ये एक्स वाई और ये जेड। सबसे पहला प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, सेकंड टू टाइम्स प्लस टू टाइम्स माइनस, एंड थर्ड वन फोर प्लस फोर टाइम्स माइनस। अब आप लोगों का क्वेश्चंस बनता है, जैसे अगर कोई कहता है माइनस टू कॉमा थ्री कॉमा थ्री किस ऑक्टेंट में होगा, तो देखें x नेगेटिव y एंड z पॉजिटिव किस ऑक्टेंट में है, सेकेंड ऑक्टेंट में, क्लियर। तो ये माइनस टू कॉमा थ्री कॉमा थ्री किस ऑक्टेंट में है, सेकेंड ऑक्टेंट में। अगर कोई कहे टू कॉमा माइनस थ्री कॉमा फाइव ये किस ऑक्टेंट में होगा, तो देखें इसका फोर्थ ऑक्टेंट बन रहा है, प्लस माइनस प्लस। तो इसको मेनली याद रखने का टेक्निक क्या है, फर्स्ट वाले में तो क्या है प्लस माइनस माइनस प्लस, सेम टू सेम यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस प्लस। फिर y को कैसे लर्न रखोगे, टू टाइम्स प्लस टू टाइम्स माइनस टू टाइम्स प्लस टू टाइम्स माइनस, इसी टाइप से z फोर टाइम्स प्लस फोर टाइम्स माइनस, और फिर यहाँ पर हम लोग मैच करके देख लेंगे कि ये किस ऑक्टेंट के अंदर लाई कर रहा है गिवन पॉइंट। जैसे कि आपको कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, जैसे वन टू थ्री ये किस ऑक्टेंट में है, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री ले रहा हूँ आपके बुक का, वन टू थ्री किस ऑक्टेंट में है, तीनों ही प्लस है मींस दैट फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है फोर कॉमा माइनस टू कॉमा थ्री ये किस ऑक्टेंट में है, तो प्लस माइनस प्लस कहाँ है, देखें प्लस माइनस प्लस ये फोर्थ ऑक्टेंट में होगा, ठीक है। इसी टाइप से देखें एक दे रखा है माइनस फोर कॉमा टू कॉमा फाइव, तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस किस ऑक्टेंट में है, सेकेंड में। तो इस टाइप से आप लोगों को आपके बुक एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर रिमेनिंग पार्ट्स दे रखे हैं, वो किस ऑक्टेंट के अंदर है वो आप लोगों को चेकआउट करना है, ओके। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर वन, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। तो अभी अभी जस्ट देखे मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये देखें ये पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो जीरो होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, अ पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन, तो देखें एक्स जेड प्लेन के अंदर ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट किस प्लेन में है, एक्स और जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बनता है y कोऑर्डिनेट जीरो, ये जीरो जीरो, ये आपके क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बनता है। थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया ही है आप लोगों से, कौन सा किस क्वाड्रेंट के अंदर है, और जो क्वेश्चन नंबर फोर है 12.1 एक्सरसाइज का फिल इन द ब्लैंक्स वो आप लोग करेंगे, ओके। अब बात करते हैं जिस टाइप से आप लोग टू डायमेंशन के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसी टाइप से थ्री डायमेंशन भी है। टू डायमेंशन में क्या पढ़ते हैं टेंथ क्लास में, इफ अ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x2 y2 a एंड b, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन a b,
ए बी इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। नाउ इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हैं थ्री डायमेंशनल पर ले जाके। इफ अ पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन जेड वन एंड अनदर पॉइंट सेकेंड बी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए बी देन ए बी इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू रेज पावर होल स्क्वायर y1 minus y2 whole square and z1 minus z2 whole square। ठीक है, ये थ्री डायमेंशन के अंदर दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बन जाता है। बात करते हैं हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन की, तो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर वन, एक पॉइंट है a 2 3 5 एंड अनदर पॉइंट है b 4 3 1। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स? ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, एक्स वन वाई वन जेड वन, इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं एक्स टू वाई टू जेड टू। तो फॉर्मूला लगाए एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर, तो टू माइनस फोर होल स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू थ्री माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस वन होल स्क्वायर। टू माइनस फोर माइनस टू का होल स्क्वायर फोर, थ्री माइनस थ्री जीरो होल स्क्वायर जीरो, 5 माइनस वन फोर, फोर का होल स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 4 20, 20 को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 2 10, 2 5, 5 1, 2 का पेयर 5 का नहीं बन रहा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट डिस्टेंस। ये आप लोगों के डिस्टेंस आ जाती है बिटवीन दीज टू पॉइंट 2 3 5 एंड 4 3 1। नाउ यहाँ पर कंसिडर करते हैं कोलिनियरिटी की कंडीशन। क्वेश्चन नंबर टू है, प्रूव दैट माइनस टू थ्री फाइव वन टू थ्री सेवन जीरो माइनस वन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो टेंथ क्लास में आप लोग क्या करते थे, ऐसे ही तीन पॉइंट्स दे रखे होते थे 2D में, और हम लोग कहते थे इफ सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस देन दीज पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो यहाँ पर भी मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी कंसीडर करता हूँ और इनके बिटवीन क्या करूंगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। अगर इफ सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस देन वी विल से दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, लाइक एज ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो देखें ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स वन माइनस एक्स टू कर चुका, थ्री माइनस टू वन होल स्क्वायर एंड फाइव माइनस थ्री टू होल स्क्वायर। कितना आता है चेकआउट करते हैं, थ्री स्क्वायर नाइन, वन टू का स्क्वायर फोर, नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस फोर फोर्टीन। ओके, फोर्टीन का आई थिंक एज इट इज रहेगा, आगे इसके पेयर्स नहीं बन रहे। नेक्स्ट करते हैं बी सी को फाइंड आउट, एक्स वन माइनस एक्स टू, तो वन माइनस सेवन माइनस सिक्स होल स्क्वायर, टू माइनस जीरो टू होल स्क्वायर एंड थ्री माइनस माइनस प्लस वन फोर होल स्क्वायर। सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स, टू का स्क्वायर फोर एंड फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो कितना होता है थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी, फोर्टी प्लस सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स को करते हैं पेयर्स बनाते हैं, टू टू ज़ा फोर वन एट, टू फोर्टीन टू सेवन सेवन वन, टू का पेयर बन गया, इनका नहीं बन रहा, तो ये हो गया आपके टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टीन। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं सी ए या ए सी, तो एक्स वन माइनस एक्स टू, तो माइनस टू माइनस सेवन, माइनस टू माइनस सेवन हो जाएगा माइनस नाइन होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस जीरो थ्री होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस माइनस प्लस वन सिक्स होल स्क्वायर। नाइन स्क्वायर एट्टी वन, थ्री स्क्वायर नाइन, सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स, एट्टी वन एंड नाइन, ये हो गया आपके नाइन्टी, नाइन्टी प्लस थर्टी वन टू जीरो, वन टू सिक्स, वन टू सिक्स के फाइंड आउट करते हैं हम लोग पेयर्स, टू सिक्स आर ट्वेल्व, वन वन टू सिक्स सॉरी टू थ्री जा सिक्सटी थ्री, फिर यहाँ थ्री की टेबल लें, थ्री टू जा सिक्स वन टू वन, थ्री की टेबल सेवन टाइम्स सेवन वन, थ्री का पेयर बन रहा है टू और सेवन का नहीं बन रहा, तो ये कितना होगा थ्री स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टीन।
तो यहां हम क्लियरली देख रहे हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए सी। तो सिंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी दैट मीन्स दैट ए बी सी विल बी को लीनियर। ओके, तो ये आपके कोलिनियरिटी की कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट है क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, दो क्वेश्चन आप लोगों को करना है, कंडीशन मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर का जो सेकंड पार्ट है वो मैं कर रहा हूं। प्रूव करना है 0710 -166 and -496 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, दैट मे बी फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम, मींस दैट सम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अगर ये लॉ फॉलो हो जाता है तो उस केस में हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ए कंसिडर करते हैं, इसको बी कंसिडर करते हैं, इसको सी कंसिडर करते हैं, तो ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू 0 -(-+1) का स्क्वायर, 7 -6 अगेन 1 का स्क्वायर एंड 10 -6 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 1 + 1 + 16 कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 18। नेक्स्ट बी सी लेते हैं, -1 -(-+4) तो 4 - 1 कितना हो गया 3 स्क्वायर, 6 - 9 -3 स्क्वायर एंड 6 - 6 0 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 18। नेक्स्ट बात करते हैं ए सी की, स्क्वायर रूट ऑफ 0 -(-+4) का स्क्वायर, 7 - 9 -2 का स्क्वायर प्लस 10 - 6 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 2 स्क्वायर मेरा फोन है सर, ये वाला नहीं आ रहा, 4 स्क्वायर 16 2 स्क्वायर 4 4 स्क्वायर 16 16 + 16 = 32 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 36। नाउ हम लोग यहाँ पर क्लियरली क्या देख रहे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए सी स्क्वायर। देखो 18 + 18 = 36 तो इम्प्लाइज दैट ये ए ये सी और ये बी, ए सी हाईएस्ट लेंथ का है इसीलिए जो बी है वो राइट एंगल्ड होगा। तो सिंस पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है इम्प्लाइज दैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, तो अब इसका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उसको प्रूफ करना है आइसोस्केलस ट्राइंगल। कैसे प्रूफ करोगे, कोई भी दो साइड्स इक्वल आ जाएगी इसका मीनिंग क्या होगा, वो आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा। और उसका थर्ड पार्ट कहता है आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और प्रूफ करना है वो पैरेललोग्राम जनरेट करता है। तो पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, -1, 2, 1 सेकेंड 1, -2, 5 थर्ड 4, -7, 8 एंड 2, -3, 4 तो इनके जस्ट अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो जब आप लिख देंगे दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। तो मैं सेट ऑफ पॉइंट्स को कंसिडर कर लेता हूं एक्स वाई जेड, ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम किस किस से, 1, 2, 3 इसको मैं बी कंसिडर कर लेता हूं एंड सी 3, 2, -1 क्लियर। तो आप लोगों को ये सेट ऑफ पॉइंट्स का रिलेशन फाइंड आउट करना है इक्वेशन। तो क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की बी से डिस्टेंस मींस दैट ए बी एंड ए की सी से डिस्टेंस मींस दैट ए सी, ये इक्वल है। ए बी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x - 1² + y - 2² + z - 3² इज इक्वल टू ए सी, स्क्वायर रूट ऑफ
x माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर प्लस z माइनस माइनस प्लस वन होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर उठ जाएगा। इधर स्क्वायर का ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू टू जा फोर वाई प्लस टू का स्क्वायर फोर, जेड स्क्वायर माइनस टू थ्री जा सिक्स जेड प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन। इधर एक्स स्क्वायर माइनस टू थ्री जा सिक्स एक्स प्लस नाइन, वाई स्क्वायर माइनस टू टू जा फोर वाई प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन का स्क्वायर वन। देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो कट हो गए दोनों साइड से, ठीक है, और जो कोई कट हो रहा है वो कट कर दीजिए, अदरवाइज सब को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेके आ जाइए। तो माइनस का सिक्स एक्स इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो सिक्स एक्स माइनस टू एक्स कितना हो गया फोर एक्स। नेक्स्ट फोर वाई, माइनस का फोर वाई इधर भी है, माइनस का फोर वाई इधर भी है, कट कर दीजिए, प्लस का फोर इधर भी है, प्लस का फोर इधर भी है, कट कर दीजिए। अब बचता है कौन, z, तो माइनस का सिक्स जेड इधर है, प्लस का टू जेड इधर लेकर आए माइनस टू जेड, तो माइनस सिक्स जेड माइनस टू जेड कितना हो जाएगा माइनस एट जेड। लास्ट बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की, वन प्लस नाइन टेन, तो प्लस वन तो दोनों साइड से कट कर दो, नाइन इधर क्या पेंडिंग रहा है नाइन, नाइन नाइन भी कट हो गए, तो बस आंसर आ गया, सब कुछ कॉन्स्टेंट्स कट हो चुके जीरो। 4x minus 8z is equals to 0. This is the relation of the set of points. Okay. इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 10. तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ, एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ x, y, z. इस P की A से डिस्टेंस, A कॉर्डिनेट क्या है 400 और बीस माइनस फोर कॉमा जीरो जीरो, इन दोनों के डिस्टेंसेस से सम कितना है, पी ए प्लस पी बी 10 है, तो बस पी ए की वैल्यू कितनी है देखें, एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो वाई स्क्वायर जेड माइनस जीरो जेड स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस फोर स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पर छोड़ना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्वायर रूट उधर लेकर जाएं, वन बाय वन स्क्वायर रूट हटाने, क्या होगा 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कीजिए। जैसे ही आप लोग स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या रहा, एक्स माइनस फोर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा ए स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस एक्स प्लस फोर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो माइनस टू इंटू 10 हो जाएगा 20, स्क्वायर रूट में क्या है एक्स प्लस फोर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखेंगे आप लोग y स्क्वायर जेड स्क्वायर से y स्क्वायर जेड स्क्वायर कट हो गया, इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर टू फोर जा एट एक्स फोर का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर फोर का स्क्वायर एट एक्स 16 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 16 से 16 कट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, ओके, प्लस का 8x है इधर लेकर आए माइनस 8x, तो माइनस 8x माइनस 8x कितना हो जाएगा माइनस 16x, प्लस का 100 इधर गया माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस 20। अब क्या करें, यहां से आप लोग कॉमन ले लीजिए माइनस 4 को, अंदर क्या बचा 4x प्लस 25 माइनस 20, फोर की टेबल कितने टाइम 5 टाइम। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो अगेन, तो जैसे ही आप लोग स्क्वायर करते हैं तो इधर क्या आएगा 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के अंदर 5 का स्क्वायर 25
और ब्रैकेट के अंदर x प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। फर्दर इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 16x स्क्वायर 24 जा 8, 8 इंटू 25 200, 25 का स्क्वायर 625, 25 इंटू x स्क्वायर प्लस 24 जा 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बस लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा और जो फाइनल होगा वही आप लोगों का आंसर होगा। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल अबाउट 12.1 एक्सरसाइज और 12.2 एक्सरसाइज के रिलेटेड थिंग, जिसमें हम लोगों ने थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री पर बेस्ड कंसेप्ट ऑक्टेंट का और डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किए। तो रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन सारे के सारे आप लोग करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।